हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश के सभी बहन और भाइयों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के सुअवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण प्रेमियों ने अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग और नए पहल की है जिसके कारण से पर्यावरण के संरक्षण में और संवर्धन में सभी सहयोग कर सकते हैं। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है जैव विविधता। इस धरती पर रहने वाले सभी के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर समस्त प्राणी जगत, चर और अचर, सभी की उपस्थिति और सभी का जीवन आवश्यक है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं। और इस अवसर पर बहुत से पर्यावरण प्रेमियों ने प्रयोग किया है कि अब गर्मी का समय भी चल रहा है और जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत अधिक तापमान है और उसके कारण से हमारे जीव जंतु, हमारे पशु पक्षी कई बार पीने के पानी की समस्या भी उन क्षेत्रों में आती है। और आज यहाँ पर उसी का अनुसरण करते हुए हमने भी प्रयास किया है कि हम भी अपने निवास स्थान से एक मिट्टी का पात्र रख रहे हैं और जिसमें पानी रखा करेंगे और उसको घर के बाहर लटका के रखना ताकि जो भी पक्षी आए तो प्यास के समय पानी पी सकें। और साथ में एक और पात्र जिसमें कोई दाना इत्यादि भी रखें जिससे वो आ करके उसका सेवन करें, उसको खाएं। तो ये सब ध्यान हम सब रख सकते हैं। और एक और मैं निवेदन करूंगा कि इस साल हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र हैं इनमें वर्षा के कारण से वनों में अग्नि के मामले कम हैं, लेकिन जहां पर गर्मी है उन क्षेत्रों में कुछ वन अग्नि के मामले बढ़ रहे हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस पर्यावरण दिवस पर यह भी सौगंध लें कि किसी कारण से जंगलों में आग ना लगे, क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो सारी वनस्पति के साथ साथ वन्य प्राणियों का भी बहुत अधिक नुकसान होता है या वे मर जाते हैं। तो ये भी सौगंध लें कि हम जंगलों में आग नहीं लगाएंगे और उसके प्रति पूरा संवेदनशील रहेंगे। और अभी हम ये पात्र यहाँ पर रखेंगे और मेरा सभी से निवेदन है कि जैसा अनेक लोगों ने इसकी शुरुआत की है और वैसे ही सभी लोग भी इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे जो मैं यहाँ पर प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।